ये देख रहे हैं आप लोग, रेशमा गाजी जो है फुल्की बना रही हैं। दही रखा था उसी में शाम को फुल्की बना के डाल रही हैं। ये देखो फुल्की बना के पानी में डाल चुकी हैं और ये इधर बना रही हैं। ये इनका गैस चूल्हा है, उधर वो दूध उबल रहा है। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से बन रही है फुल्की। ये देसी तेल में बन रही हैं, सरसों के फेवर। आप लोग बताइए कैसा लग रहा है। रमजान में जो है फुल्की बन रही है। ये देखो बनी रखी हैं, प्लेट में रखी हैं। ये इधर भिगो दी गई हैं। ये इधर तसले में आटा है, बेसन का, शुद्ध बेसन का आटा है। ये देखो बन रही है। ये देखो सहरी के लिए दूध गर्म करके रख दिया गया है। सुबह सहरी में दूध रोटी खाया जाएगा। ये आप देख रहे हैं दही जमाया गया है, कुछ दही खर्च हो चुका है, इतना दही बच गया है तो इसमें फुल्की डाल दी जाएंगी जो कल शाम को खाई जाएंगी रोजे के बाद। ठीक, ये इधर शाम को फुल्की बनाई जा रही हैं। आप लोग इस प्रकार के वीडियो अगर खाने से रिलेटेड रेसिपी देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, कमेंट करके बताइए तो और वीडियो बनाए जाएंगे कि हमारे घर में क्या क्या बनता है, रमज़ान में क्या क्या पकवान इस समय टाइम बन रहे हैं, पूरे सब वीडियो दिखाएंगे। कमेंट करके बताइए आप लोग। ये देखिए आप लोग, दही एक गांव का दही है। इसमें मेरी भैंस का पूरा दूध खाने में खर्चा होता है, जो बचता है वो दूध दही रख दिया जाता है। घर में ही देसी घी भी बनता है। ये देखो मथानी नहीं है, जिसके अभाव में इस एक कटोरी से इस दही को मथा जा रहा है। देख लीजिए दही, देखिए इतना लाजवाब है। ये देखिए क्या लाजवाब दही। पानी डालोगे ऐसे डाल दोगे, गाढ़ा गाढ़ा जाओ। ये देखो दही में फुलौरी डालना चालू हो गया है। इस भगोने से निकाल निकाल के इसमें डाली जा रही हैं। आप लोगों के घर में भी ऐसे बनती होंगी, नहीं बनती है तो अपने घर में कहिए और बनवाइए अपने। देखिए टेस्ट करके कितनी अच्छी लगती है। इधर एक प्लेट में रखी हुई, ये भी इसमें डाल दी जाएंगी एक दो। दही में पानी बिल्कुल नहीं डाला है, बिल्कुल गाढ़ा दही है ये। भगोने में बिल्कुल फुलौरी पड़ चुके हैं, इनको फुल्की भी बोलते हैं। ये तैयार है। ठीक, अब कल खाई जाएंगे। ओके, आप लोगों को अच्छा लगी हो, अच्छा लगा हो वीडियो ये, तो वीडियो को शेयर करें और शेयर चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो बना सकें। और अगर आपके घर में भी कुछ बनाया जाता है हमें भेजना चाहते हैं तो हमें मैसेंजर पर संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।